नमस्कार गाइस। तो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर जैसा कि लिखा है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, या अगर आप ईमेल से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे साइन अप ईमेल पे क्लिक करें। जैसा कि यहाँ पर आपकी जो भी मेल हैं वो यहाँ पर आप दर्ज करें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मोबाइल नंबर से बनाऊं, तो मोबाइल नंबर से बनाने के लिए मैं यहाँ पे साइन अप विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नंबर दर्ज करूँगा जो भी मेरे नंबर हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे नंबर दर्ज कर लेता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। जैसा कि मैं यहाँ पर डालता हूँ प्रिंस, इसके बाद में सेकंड नाम आप डालते हैं कुछ भी, जैसा कि मैं डाल लेता हूँ कुमार। अब इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये मांग रहा है पासवर्ड। आप पासवर्ड में हमेशा के लिए छोटा और बड़ा वर्ड का ज़रूर यूज़ करें। जैसा कि मैं डालता हूँ छोटा पी बड़ा के @1234567। इस तरह से आप जो भी पासवर्ड लगाओ उसके अंदर नंबर, छोटा नाम, छोटा वर्ड, बड़ा वर्ड और एक सिंबल लेटर और नंबर, ये ज़रूर आप उसमें दर्ज करें। क्योंकि इससे क्या है कि ये कोई उसको पता नहीं लगा पाता है कि ये पासवर्ड किस प्रकार के इसने लगाए होंगे। तो इस तरह से मैं भी यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद आता है सेव इन्फो। मानो कि अगर ये मोबाइल आपका ही है, अब मानो कभी लॉग आउट हो जाता है तो आप इसे ऑटोमेटिक लॉगिन कर पाएंगे बिना पासवर्ड के। तो आप इसको यहाँ पर सेव इन्फो पे क्लिक कर दे। उसके बाद आता है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है। तो आप कुछ भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, जैसा कि अभी कम 18 साल का। तो अपन यहाँ से इसको ये अपन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इसकी डाल लेते हैं। अब इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट अ यूजर नेम। यूजर नेम ज़रूरी है जिससे आप उसको वहाँ से @ लगा के उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो आपका एक यूनिक नेम होगा। तो यहाँ पर आप जो पसंद करते हैं वो यूजर नेम डाल के देख लें। जैसा कि मैं इसके अंदर प्रिंस ही करना चाहूँगा, प्रिंस उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुमार लगा लूँ। प्रिंस कुमार भी उपलब्ध नहीं है। इसके नीचे कुछ सजेशन दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ वर्ड लगा दूँ ताकि किसी से मैच नहीं हो। जैसा कि मैंने इसको प्रिंस कुमार 16 लगाया, पर ये भी किसी का मैच हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 लगा लूँ, ये भी उपलब्ध नहीं है। तो अपन इसके अंदर 2016 लगा लेते हैं, यह एक अपना यूजर नेम हो जाएगा जो आपको यूनिक लगे। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आता है एग्री टू इंस्टाग्राम टर्म्स एंड पॉलिसीज। इंस्टाग्राम की कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको यहाँ पे इसको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हो चला जाएगा। अब लिखा आ रहा है एड अ प्रोफाइल पिक्चर। आप अपनी प्रोफाइल पे फ़ोटो लगाए, किस तरह का फ़ोटो लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से फ़ोटो करता हूँ, एड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसमें आ रहा है या तो फ़ोटो खींचे या फिर आप प्रोफाइल से चुने। मैं प्रोफाइल से चुनता हूँ, प्रोफाइल लगाना चाहे उसको यहाँ से इसके अपने हिसाब से सेट कर ले, जैसा कि ऊपर नीचे जैसे भी आप करना चाहो। मैंने इसको ऐसे कर लिया।
इसके बाद आता है कि आल्सो शेयर दिस पिक्चर एज पोस्ट। अगर आप निजी फोटो है इसका आप प्रोफाइल जो पोस्ट उसमें भी शेयर करना चाहते हैं तो हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसमें भी शो करेगा जिसको इसके यहाँ से डन कर लेंगे। और चेंज करना चाहे तो मुझे चेंज पिक्चर में भी कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से डन कर ले रहा हूँ। इसके बाद है फाइंड फेसबुक फ्रेंड टू फॉलो। अगर आपके फेसबुक अकाउंट हैं तो आप उसे लिंक करके और उसे यहाँ से फ्रेंड को देख सकते हैं कि कौन इंस्टाग्राम पर है, पर मैं चाहूँगा कि भी कि नहीं, कि बाद में इसको सेटअप कर लेंगे। तो अपन इसको यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्किप। इसके बाद कुछ इंस्टाग्राम की ओर से दिए गए हैं कि आप इनमें से किसी को फॉलो करें ताकि इनकी पोस्ट आपको मिलती रहे। तो मैं पहला ही इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहूँगा। अब मैं इसके आगे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब मैं इसके बाद कुछ आगे की सेटिंग देखने के लिए इस फोटो पे क्लिक करूँगा। इस तरह से आपकी प्रोफाइल बन गई है। इसके बाद आ रहा है जैसा कि ये चार प्रोसेस जो है वो तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। तो इसमें लिखा रहा है ऐड बायो, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो। जैसा कि मैं लिखता हूँ प्रिंस, ये लिख लेता हूँ प्रिंस, मैंने नाम लिख लिया। तो ये मेरे एक तरह से बायो हो गया। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंस का नाम ही लिखे। उसके बाद आता है एडिट प्रोफाइल। इसके अंदर आप यहाँ पे लिंक भी सेट कर सकते हो, आपकी जो भी लिंक हो वो उसको आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे अलग से लिंक डालनी हो, फेसबुक की डालनी हो, जो भी लिंक डालना चाहो आप यहाँ से इसमें डाल सकते हो। मैं एक लिंक आपको डाल के बता देता हूँ कोई सी भी, जिसमें गए मैंने ये एक वीडियो की लिंक है जिसको वहाँ से कॉपी किया। अब मैं इसका पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लिंक, मानो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अब ये जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगी ये लिंक यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि पोस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर ये जो प्लस का साइन आ रहा है इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आ रही है पोस्ट, इस पोस्ट पे यहाँ से क्लिक करेंगे। अब मुझे ये फ़ोटो अपलोड करनी है पोस्ट के रूप में, तो मैं इसको यहाँ से आगे क्लिक कर देता हूँ। और इस तरह से अगर आप चाहो तो उसे अपन इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, पर मेरे को ये फ़ोटो चाहिए तो मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद में इसको यहाँ से राइट कैप्शन, आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जय बाबारी, इस तरह से मैंने लिख दिया। और इसके बाद में कुछ हैशटैग लगा देंगे, जैसे मैंने लगाया राम देव जी, इस तरह से इसमें ये हैशटैग अपने लगा दिया है। इसके बाद आता है टैग पीपल। अगर मानो आप किसी को भी टैग करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर टैग कर सकते हो। जैसा कि मैं मेरा खुद का अकाउंट है उसको टैग करना चाहूँगा, अलग अलग अकाउंट आएगी, मैंने इसको यहाँ से टैग कर दिया। उसके बाद आती है लोकेशन। आप अगर लोकेशन डालना चाहते हो तो अब लोकेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूँ जयपुर, ये जयपुर यहाँ से आ गया, मैंने जयपुर राजस्थान पर इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद आता है एड म्यूजिक। अगर आप गाना लगाना चाहते हैं उसके साथ में तो आप इस पर एड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ इस तरह से, मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो पोस्ट है मेरी यहाँ से फिनिशिंग अप आपको दिख रहा है। अब ये जो फोटो है इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से यहाँ से ये आ जाएगी। इसके बाद
अगर आपको यहाँ पे स्टोरी लगाना है इसी को जो आपने पोस्ट किया है, तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, आपने पोस्ट की है क्या उसी को आप स्टोरी लगाना चाहते हैं, तो आप इस पे यहाँ पे जाएंगे और ये इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसको यहाँ से शेयर कर देंगे और उस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टोरी ग्रुप में लग जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे आपके सामने ये स्टोरी पे आ जाएगा।